नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारियों के साथ। एक तरफ जहां दिल्ली पॉल्यूशन के जहर से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर अब दिल्ली के मंत्री यूपी और केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की हवा जहर उबल रही है। इस जहरीली हवा के कारण दिल्ली और एनसीआर के लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, तो वहीं डॉक्टर्स की तरफ से लोगों को सुबह मॉर्निंग वॉक पर ना जाने की सलाह दी जा रही है, ताकि इस जानलेवा जहर से लोगों को निजात मिल सके। प्रदूषण से हालात ये हो चुके हैं कि लोगों को स्मॉग की मोटी परत दिखाई दे रही है। ऊंची ऊंची इमारतें धुंध में गायब हो गई है। सूरज की रोशनी भी धीमी पड़ गई है। हालांकि 4 नवंबर को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में हल्की कमी दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी ये गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पॉल्यूशन तो बहुत बढ़ गया है और नवंबर स्टार्ट होते ही ऐसा लग रहा है जैसे कि दम घुट रहा है। लग तो रहा है कि और बढ़ेगा, क्योंकि दिवाली आ रही है, लोग मानेंगे नहीं। सही भाई लगता है और हैवीनेस फील होती है। पॉल्यूशन की तो काफी भयावह स्थिति है। एक युवा इसमें देख लीजिए, इतना लग रहा है इसे 400-500 से नीचे नहीं होगा। बहुत परेशानी होती है, कभी कभी सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन सी होने लगती है और बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम तो इससे डिस्ट्रॉय होगा ही होगा लोगों का। दिल्ली की प्राणवायु का जहर बनने का कारण पंजाब में जल रही पराली है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब के मोगा जिले से किसानों के पराली जलाने का मामला सामने आया है। इसके बाद मोगा में पराली जलाने के मामले में यहां के कृषि विभाग के अधिकारी जसविंदर सिंह बराड़ की प्रतिक्रिया सामने आई है। मोगा में पराली जलाने पर कृषि विभाग के अधिकारी जसविंदर सिंह बराड़ ने कहा है कि पिछले साल यहां पराली जलाने की 485 घटनाएं सामने आई थी। इस साल यहां 321 घटनाएं सामने आई है। उन्होंने कहा प्रशासन और कृषि विभाग की टीमें गठित की गई है, कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक तहसील में फायर ब्रिगेड को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा फायर ब्रिगेड का सारा स्टाफ अपनी ड्यूटी में लगा हुआ है। अगर उनको पता चलता है कि कहीं भी कोई पराली जलाई जा रही है, तो वो तुरंत जाकर उस आग को बुझा देते हैं। वहीं पंजाब के लुधियाना से भी पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। पिछले साल से बहुत कम जरी है आगे लगी है। पिछले साल आज के दिन तक तकरीबन 485 थावां ते आग लगी सी और इस समय तकरीबन 321 जो है आग दिया घटनावां सामने आई है। हर तहसील में एक एक फायर ब्रिगेड तैनात की गई है और सारा स्टाफ जेड़ा है वो सभी ड्यूटी पर लगे हैं। यही कोई पता लगता है भी आग बड़ी पद्धत पे लगी है तो फायर ब्रिगेड जाके आग बंद करती है। वही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर किए जा रहे उपाय का जमीनी स्तर पर जायजा लेने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने आनंद विहार बस अड्डे का निरीक्षण किया। इस दौरान आनंद विहार बस अड्डे पर यूपी से आए प्रतिबंधित डीजल और BS3 BS4 की गाड़ियां नजर आई, जिसे देखकर गोपाल राय ने ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। वहीं गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर यूपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रतिबंधित BS3 और BS4 गाड़ियां आनंद विहार बस डिपो भेजने पर रोक लगाने की मांग की। दिल्ली के अंदर जो एयर पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए सरकार बहुत सारे उपाय कर रही है, लेकिन अभी हम देख रहे थे कि आनंद विहार में हम सुबह से देख रहे थे कि पूरे दिल्ली में सबसे ज्यादा AQI दिखा रहा है और उसको हम समझने के लिए आज हम रात में यहाँ पर आए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है CNG की बसें चलती हैं, दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बस चलती है, लेकिन आनंद विहार बस अड्डे पे पूरे उत्तर प्रदेश से सारी डीजल की BS3 और BS4 की जो गाड़ियां बैन कर दी गई हैं उनको यहां भेजा जा रहा है। और यहां आप अभी बस अड्डे पर हमने देखा कि चारों तरफ हमारे तरफ जो गाड़ियां खड़ी हैं सारी BS3 BS4 की हैं। मेरे उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है, आज मैंने देखा योगी जी को बोल रहे थे कि पंजाब से धुआं आ रहा है, गाजियाबाद में वो आए थे और मोबाइल में देखे, यहां चारों तरफ ये जो धुआं वाली गाड़ियां भेज रहे हैं उनको बंद कर दें प्लीज। 1 नवंबर से गाड़ियां बैन है
और हमने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस समय दिल्ली के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन बंद कर दिए गए, दिल्ली के अंदर BS3 BS4 की गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। ये जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, प्लीज़ उत्तर प्रदेश से, और योगी जी से मेरा निवेदन है कि इन गाड़ियों को भेजना बंद कर दें, जिससे कम से कम जो गाड़ियों का पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। नहीं देखो, जिस तरह से जब वो एंट्री बंद है तो डिपो के अंदर अगर यहाँ पे बसें आई पहुँची हैं तो उसके डिपो मैनेजर जिम्मेदार है, जो ट्रैफिक पुलिस है, जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हैं, उन लोगों को जो कार्रवाई करनी थी उसमें लापरवाही बरती जा रही है। आज मैंने LG साहब से यही बात कही कि भाई अधिकारी ग्राउंड पे काम नहीं कर रहे हैं, वो करेंगे तभी इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। दिल्ली की जहरीली हो चुकी आबो हवा को लेकर नेशनल क्लाइमेट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश त्यागी ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। ये समस्या हर साल होती है। प्रदूषण को कम करने के लिए सबको अपने व्यवहार में बदलाव करने की जरूरत है। जैसे ही कोई फेस्टिव सीजन आता है, जैसे ही कोई स्पेशल सीजन आता है, तो वो पॉल्यूशन बढ़ता है। उसको घटाने के लिए, उसको कम करने के लिए सबको अपने बिहेवियर में चेंज लाने की जरूरत है। पहले पटाखे होते थे, उसमें कोई वो लेवल नहीं होता था कि क्या बैन है क्या नहीं है। अभी बहुत सारे पटाखे ऐसे हैं जिसमें बहुत इमिशन ज्यादा होता है, तो लो इमिशन वाले पटाखे या बिना इमिशन वाले पटाखे नहीं चलाए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज नॉइज का लेवल भी खराब होता है, एयर क्वालिटी भी खराब होती है। बहरहाल दिल्ली की हवा दम घोटू हो चुकी है, लेकिन इस पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पहले जो दिल्ली सरकार पराली जलाने को लेकर पंजाब सरकार पर हमलावर थी, वो अब पंजाब में अपनी सरकार बनने के बाद यूपी और हरियाणा को दोष देने में लगी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आरोप प्रत्यारोप से दिल्ली को जहरीली हवा से निजात मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं जहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। माता कौशल्या की जन्मभूमि है छत्तीसगढ़, भगवान राम की ननिहाल है, और अयोध्या में भगवान का मंदिर बन रहा है। जनवरी में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से श्री राम मंदिर में भगवान विराजमान होंगे, और उत्सव छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, इस विषय आपका आह्वान पत्र दिया है। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ अपनी संपदा के कारण, प्राकृतिक संपदा, वन का, खनिज का, उर्वरा भूमि का, जल संसाधनों का, यह दुनिया के समृद्धतम क्षेत्रों में है। लेकिन समृद्ध भूमि कांग्रेस नेतृत्व की 5 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बदहाल कर दिया है। कैसे योजनाओं से वंचित करने का पाप कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने किया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र होता है झूठ का एक पुलिंदा होता है, कोई काम वह सच नहीं कर सकती। कांग्रेस स्वयं देश के लिए एक समस्या है। आतंकवाद की समस्या कांग्रेस की देन, नक्सलवाद की समस्या कांग्रेस की देन, अराजकता कांग्रेस की देन, भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन, और गरीब के मुंह से निवाला छीनना भी एक कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस लगातार पूरे देश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर भी अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का कारण बनी है। 5 वर्ष पहले जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ वासियों ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी,
कांग्रेस ने उसको परिवारवाद और भ्रष्टाचार का शिकार बना दिया। अब उसी का परिणाम है कि विकास से कोसों दूर लगातार छत्तीसगढ़ जाता रहा है। भाइयों बहनों, आज यहां पर किसान को समय पर बोनस नहीं मिल पाता है। यहां पर तेंदूपत्ता के किसानों के लिए जो डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने व्यवस्थाएं की थी, सब्सिडी और बोनस दिया था, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने वो बंद कर दिया। अन्नदाता किसानों के शोषण के सब पर 1300 करोड़ रुपए का गोबर घोटाला कर दिया इन लोगों ने। याद करिए, गोबर घोटाला एक बिहार में हुआ था चारा घोटाला, अब छत्तीसगढ़ में हो गया गोबर घोटाला। यानी बिहार से कांग्रेस के साथ लालू जी का गठबंधन ऐसा हुआ कि वो चारा गोबर में बदल करके उन्होंने यहां के किसानों का के हिस्से का 1300 करोड़ रुपए टकर दिया। एक नया घोटाला आ रहा है, महादेव ऐप के नाम पर 10 लाख लोगों की पैसे को हड़पने का। यानी ये एक एक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की परत खुलती जा रही है और इनका वास्तविक रूप सामने आ रहा है। और इसीलिए मैं आपको अवगत कराने के लिए आया हूं, राम राज्य का मतलब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर वंचित, हर दलित, हर आदिवासी समाज के हर तबके को बिना भेदभाव के उपलब्ध करवा देना। और यही उपलब्ध कराने के लिए तो मोदी जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर परिश्रम किया। यही कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है 5 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश में 55 लाख गरीबों को एक एक आवास दे दिया, 55 लाख गरीबों को। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो 16 लाख आवास यहां के गरीबों के लिए मोदी जी ने भेजे थे, वह कांग्रेस नेतृत्व की भूपेश बघेल जी की सरकार ने, भाइयों बहनों, उस आवास को भी हड़प दिया है, नहीं बनने दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा आवास भेजा गया था, आवास मिला क्या? आवास मिला? नहीं मिला। हम आए हैं कहने के लिए 16 नहीं 18 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध करवाएंगे। हर घर नल की योजना के लिए पैसा दिया है। क्या यहां पर हर घर नल योजना लागू हो गई क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा तो इन्होंने दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया है। गरीब को शुद्ध पेयजल मिले, एक कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती है, वे केवल वायदे पर विश्वास करते हैं, वायदा पर वायदा। जैसे एक फिल्म आई थी ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हम लोगों को कहते थे, पहले लोग की भाजपा के लोग कहते तो हैं कि रामदवा हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, और फिर कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन हमने तो सत्ता में आए, केंद्र में मोदी जी आए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, हम लोगों ने जो कहा सो करके दिखा दिया। मंदिर भी बना रहे हैं और तारीख भी बता रहे हैं कि 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन एक कांग्रेस है कि इनकी तारीख ही नहीं आती है, इनकी तारीख ही नहीं आती है। और इनके यहां तो हर यहां का गरीब और वंचित कह रहा है, जो बेघर है, गरीब है, वह बेवस है इस बात के लिए कि उसे आवास की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। और लोग यही पूछ रहे हैं यहां पर कि हमन ल तो नहीं मिलीस,
आप लोग मिलिस का यही तो पूछ रही है ना यहाँ की जनता। नहीं मिला गरीब को, कोई योजना का लाभ नहीं देना चाहती यहाँ की सरकार। किसान का बोनस हड़प जा रही है, किसान का खाद हड़प जा रही है, किसान का बीज हड़प जा रही है, किसान के स्वास्थ्य बीमा का कवर हड़प जा रही है, हर घर नल योजना को हड़प जा रही है। और योजना वही जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने चलाई थी, याद करिए, सबसे पहले देश में 1 रुपया किलो चावल छत्तीसगढ़ के बंधुओं को प्राप्त हुआ था। और मोदी जी तो कोरोना कालखंड में भी आपके साथ खड़े रहे। याद करिए, जब पूरी दुनिया अस्त व्यस्त थी, त्रस्त थी, अपनी स्वयं की जान के लाने के तड़प रही थी। तो सीएम योगी को राजनांदगांव से सुन रहे थे आप। छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और जमकर उन्होंने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जल जीवन मिशन का लाभ यूपी के हर एक घर तक पहुंच रहा है। योगी सरकार की तत्परता और कर्मनिष्ठा के कारण प्रदेश के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। हम आपको औरैया लेकर चलते हैं, जहां की लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है और लोग खुशी से योगी सरकार का आभार जता रहे हैं। यूपी में जल जीवन मिशन के तहत तेजी से काम हो रहा है। लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार जी जान से काम कर रही है, जिस कारण लोगों को घरों में नल के जरिए शुद्ध पेयजल मिल रहा है। योजना के तहत औरैया में भी लोगों को लाभ मिल रहा है और लोग सरकार की इस योजना की जमकर तारीफ कर रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जता रहे हैं। आपको बता दें, औरैया में योजना के तहत पानी की टंकी बनाई गई है, जिसमें लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। लोगों की माने तो पहले उनको पानी के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन सरकार की इस योजना के कारण अब उनको घर बैठे सुबह शाम शुद्ध पेयजल मिल रहा है। दोनों टाइम नल आते हैं, सुबह शाम अच्छा पानी निकलता है, जानवर ना आते हैं, बच्चे ना आते हैं, सभी लोग पीते हैं। बहुत अच्छी सरकार है, सरकार यही सरकार होनी चाहिए। बहुत लाभ मिल रहा है। क्या क्या लाभ मिलने से? भैंसों को नहलाते, बच्चों को नहलाते और पानी पीते भी हैं, अच्छा लगता है पानी पीने के लिए। हर चीज़ का लाभ है, योगी मोदी जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। हमको इससे 100% लाभ मिलता है, क्योंकि सुबह और शाम टाइम टू टाइम पेयजल प्राप्त होता है और हमारी मवेशी को भी आराम है। और योगी जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी को बहुत बहुत मैं बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। हम लोगों को लाभ बहुत मिलेगा। पहले हम लोग 100 मीटर की जो बोरिंग होती है इंडिया हमारे हैंडपम्प पानी पीते, वो पानी दूषित था। आज ये प्रधानमंत्री जी की योजना है और माननीय योगी जी की योजना है, और इसका पानी जो 700 फीटर की और नीचे और पानी हमको शुद्ध पानी मिलेगा। इससे आने वाला जो जीवन होगा, हमारे बच्चे होगा, वो बीमार नहीं होंगे। बहरहाल योगी सरकार जी जान से प्रदेशवासियों को योजना का लाभ देने में जुटी है। सीएम योगी की कर्मठता की वजह से आज प्रदेश के हर वर्ग तक योजना का लाभ पहुंच रहा है। हर योजना का लाभ लेकर लोग खुशी से झूम रहे हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।